एआरसीपी योजना में जमीनों की हुई नीलामी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरस्त कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने नीलामी को लेकर हुई गड़बड़ी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा को शिकायत भेजी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की और अब शुक्रवार दोपहर बड़ा फैसला लेते हुए जमीनों की हुई नीलामी को निरस्त कर दिया है। सीएम के आदेश पर जल संसाधन विभाग ने बीकानेर और अलवर में हुई नीलामी को निरस्त कर दिया है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर एआरसीपी योजना में जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। किरोड़ीलाल मीणा ने पत्र में लिखा था कि इन योजनाओं में जमीन बेचने में करोड़ों का खेल हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अलवर शहर के मुख्य मार्ग की जमीन एआरसीपी को स्थानांतरित करने का कसरा नंबर 44 को अनुसूचित तरीके से नीलाम कर दिया है। और क्या कुछ कहा किरोड़ीलाल मीणा ने, जरा आप भी सुनिए। हॉर्टिकल्चर की जमीन कुछ अधिकारियों ने मिली भगत करके अलवर में कौड़ियों के भाव बेच डाली थी। उस जमीन को आज राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि राज्य सरकार, भजनलाल सरकार कितनी संवेदनशील है, कितना पारदर्शी होकर काम करती है। कि एक सड़क में कुछ लोगों से मिलके कुछ अधिकारियों ने मिली भगत कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का काम किया, उसको आज मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरस्त कर दिया। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सबकी जवाबदेही, जनता के प्रति पारदर्शिता और संवेदनशीलता का जो हमने निर्णय किया है, उसका परिचय आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है।